बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MS हाई स्कूल। आज हम क्लास टू इंग्लिश मीडियम की सोशल स्टडी पढ़ेंगे। हमारा आज का लेक्चर नंबर 15 है। हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5, विलेज। विलेज यानी गांव। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग जो हैं वो गाँव में रहते हैं। गांव में लोग के घर कच्चे होते हैं, सरसब्ज खेत भी होते हैं, खुले मैदान होते हैं। गांव में आबादी कम होती है और लोग जो गांव में रहते हैं उनके घर बड़े और हवादार होते हैं। गांव के लोग मवेशी भी पालते हैं। गांव के लोग ज़्यादातर खेतों में काम करते हैं, वो हमारे लिए अनाज उगाते हैं। और जो शख्स खेतों में काम करता है उसे हम फार्मर यानी किसान कहते हैं। कुछ लोग किसानों के लिए हथियार भी बनाते हैं और इनको हम टूल मेकर यानी ब्लैकस्मिथ कहते हैं। गांव में लोग मिलजुल कर रहते हैं। गांव में छोटी छोटी सी दुकानें होती हैं और हर चीज़ हमें खालिस मिलती है। यानी पाकिस्तान में गाँव का माहौल बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है। वहाँ के लोग सादा खाना खाना पसंद करते हैं। तो आइए अब हम इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं और मज़ीद अब विलेज के बारे में जानेंगे। इन आर कंट्री, हमारे मुल्क में मोस्टली ज़्यादातर पीपल लोग लिव रहते हैं इन विलेजेस, गाँव में। हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं। इन आर कंट्री मोस्टली पीपल लिव इन विलेजेस। सच प्लेस, ऐसी जगह। वेयर इज मड हाउसेस, जहाँ मिट्टी के घर हों। ऐसी जगह जहाँ मिट्टी के घर हों। ग्रीन फील्ड्स, सरसब्ज खेत हों। एंड और ओपन प्लेन्स, खुले मैदान हों। इज कॉल्ड विलेज, गांव कहलाता है। यानी ऐसी जगह जहाँ पर मिट्टी के घर होते हैं, खेत होते हैं और खुले मैदान होते हैं, उसको हम गांव कहते हैं। देयर इज लेस, कम पॉपुलेशन, आबादी इन विलेज, गाँव में। गाँव में आबादी कम होती है। देयर इज लेस पॉपुलेशन इन विलेज। पीपल, लोग, हु लिव, जो रहते हैं इन विलेजेस, गाँव में। पीपल हु लिव इन विलेजेस, जो लोग गाँव में रहते हैं। हैव बिग, बड़े, एंड और एरी, हवादार, हाउसेस, घर, इनके घर बड़े और हवादार होते हैं। मैनी, बहुत से, पीपल, लोग, हैव, रखते हैं, कैटल्स, मवेशी। मैनी पीपल हैव कैटल्स, बहुत से लोग मवेशी रखते हैं। मोस्टली, ज़्यादातर, पीपल, लोग, वर्क, काम करते हैं इन फील्ड्स, खेतों में। मोस्टली पीपल वर्क इन फील्ड्स, ज़्यादातर लोग खेतों में काम करते हैं। आज हम यहाँ तक इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। हमने यहाँ तक इस पैराग्राफ में पढ़ा है कि जहाँ पर मिट्टी के घर, सरसब्ज खेत और खुले मैदान होते हैं, इसको हम गांव कहते हैं। गांव की आबादी कम होती है। लोग गांव में बड़े घर और हवादार घर रखते हैं। गांव के लोग मवेशी पालना भी पसंद करते हैं और गांव के ज़्यादातर लोग खेतों में काम करते हैं। अब हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। वर्ड मीनिंग के लिए आपके पास नोट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, वहाँ से हम वर्ड मीनिंग की रीडिंग करेंगे। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 5, विलेज।
वर्ड्स मीनिंग VILLAGE विलेज गांव, विलेज गांव, MOS मॉस, TLY ट्री, मोस्टली ज़्यादातर, मोस्टली ज़्यादातर, PLACE प्लेस जगह, प्लेस जगह, MUD मड मट्टी, मड मट्टी, HOUSES हाउसेस घरों, हाउसेस घरों, FIELDS फील्ड्स खेतों, फील्ड्स खेतों, OPEN ओपन खुला, ओपन खुला, CASUAL कैजुअल आम या सबब, CASUAL कैजुअल आम, कैजुअल का मीनिंग होगा आइन अलिफा मीम साकिन आम, GROW ग्रो उगना, ग्रो उगना, GRAINS ग्रेन्स दाने, ग्रेन्स दाने, कैजुअल का मीनिंग एक बार फिर देखें, CASUAL कैजुअल आम, GROW ग्रो उगना, GRAINS ग्रेन्स दाने, PER पर, SON सर, पर्सन शख्स, पर्सन शख्स, FAR फार, MER मर, फार्मर किसान, फार्मर किसान, TOOLS टूल्स हथियार, टूल्स हथियार, SCYTHE साइट दरांती, साइट दरांती, PLAINS प्लेन्स मैदानों, प्लेन्स मैदानों, LESS लेस कम, लेस कम, POPU पॉपू, LA ले पॉपुले, TION शन पॉपुलेशन आबादी, पॉपुलेशन आबादी, AIRY एयरी हवादार, AIRY एयरी हवादार, KNIFE नाइफ चाकू, नाइफ चाकू, AXE एक्स कुल्हाड़ा, एक्स कुल्हाड़ा, BLACK ब्लैक, SMITH स्मिथ ब्लैक स्मिथ लोहार, ब्लैक स्मिथ लोहार, LIVE लिव रहना, लिव रहना। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। आपने इन तमाम वर्ड्स मीनिंग को अच्छी तरह से याद करके ज़ुबानी अपनी नोटबुक पर लिखकर चेक करना है। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो इन्हें लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।